गाइस प्रॉब्लम नंबर 80 के अंदर देखिएगा, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग ओपन करके जाते हैं। देखो किस तरीके से आपसे कह रहा, हीट इज़ जनरेटेड कंटिन्यूसली इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें हीट लगातार जनरेट होती है, लगातार। फिर आगे बोल रहा है, बट इट्स टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट आफ्टर सम टाइम। वाई? आपसे कह रहा कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्यों? तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये बात जानना चाह रहा है कि यार ऐसा नहीं होता कि हम किसी हीटर को लगातार चालू कर दें और उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाए। ऐसा नहीं होता ना। आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तक बढ़ता चला गया, बिल्कुल नहीं होता। टेम्परेचर फिक्स हो जाता, तो ऐसा क्यों? देखो आप लोगों को पता होगा, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जो लगातार हीट जनरेट कर रही है, तो अगर इसका टेम्परेचर, ये हीट जनरेट कब करती है? जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, तो ये अपने अंदर से हीट को रिलीज़ करेगी। और अगर ऐसा हुआ कि इसका खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है, तो ये हीट अपने अंदर लेगी सराउंडिंग से। ये टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, ये तो आपको अच्छे से पता। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसी हीटर की। तो हीटर क्या होता है? उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जब सराउंडिंग टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हीट जो है उसके अंदर से सराउंडिंग में जाना शुरू कर देती है। और जब ऐसा हो कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो उतनी ही हीट ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाए सराउंडिंग में, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है। ठीक है, समझ गए? स्टेडी स्टेट कैसे आती है? स्टेडी स्टेट तभी आती है जितनी हीट प्रोड्यूस हो उतनी हीट ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाए सराउंडिंग में, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर स्टेडी स्टेट आ चुकी है। और जब स्टेडी स्टेट आ जाती है ना, तब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों हुआ है? क्योंकि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी उतनी ही हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो चुकी है। तो आप ये वाली बात यहां पर लिखेंगे, when temperature ऑफ द हीटर बिकम्स हायर, स्पेलिंग गलत हो गई हायर की, higher than that of surrounding, ठीक है, तो heat क्या होगी? heat starts transfer from heater to surrounding, ठीक है, when heat produced becomes equals to the heat transfer, heat produced equals to the heat transfer, then steady state achieved and temperature of the source अब यहां पर सोर्स क्या है? हीटर becomes constant, ठीक है, बात क्लियर है? बस ये था, इसको एक्सप्लेन कर दिया और क्वेश्चन आपके सामने था। आप अच्छे से समझ लो इसको, अगर दिक्कत आए तो कहीं ना कहीं आप कमेंट कर सकते हैं चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।